वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टेशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फाइनेंस न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट कल 27 अगस्त को दोस्तों 6.5% से ज़्यादा से गिरा है, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी का वो दोस्तों 972 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। यानी कि दोस्तों जो $1 ट्रिलियन मार्केट चल रहा था उससे ज़्यादा नीचे दोस्तों अब जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट गिर चुका है। अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों पिछले 24 घंटे में जो वॉल्यूम है वो दोस्तों 47% से बढ़ा है, और मतलब 95 बिलियन डॉलर की जो ट्रेडिंग है पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी। पूरी दुनिया में 95 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग एक ही दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में हुई 24 घंटे के अंदर, जिसमें अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें दोस्तों वो 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास उसका जो वॉल्यूम है वो पिछले 24 घंटे में उसमें ट्रेडिंग हुई है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आप बताना चाहो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है HSBC बैंक की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो अपनी बैंक की जो FD की इंटरेस्ट रेट है दोस्तों उनको बढ़ाया है। दोस्तों अब दोस्तों जनरल पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है 6% की हो चुकी है दोस्तों HSBC बैंक से। RBI ने दोस्तों सभी बैंक को कहा है कि अपनी FD की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को। दोस्तों बहुत सारी बैंक जो है IDBI बैंक हुई दोस्तों, चाहे कैनरा बैंक हुई दोस्तों, चाहे बहुत सारी पंजाब नेशनल बैंक हुई, दोस्तों HSBC बैंक ने जो अपनी इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाया है। अगर दोस्तों 732 दिन से लेकर 36 महीने दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट करते हो FD में दोस्तों अपना पैसा लगाते हो, तो आपको जो एडिशन 6.5% दोस्तों यानी कि 6% दोस्तों आपको मिल ही रहा है, 0.5% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, यानी कि 6.5% आपको FD पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। क्या दोस्तों आप अपना FD में पैसा लगाते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक कहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप करते हो जनरली, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एक बार। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है यस बैंक की तरफ से। दोस्तों यस बैंक ने जो है दोस्तों बहुत बड़ा जो है ऑफिस का दोस्तों एक लीज पे लिया है, रेंट पर लिया है ऑफिस स्पेस को, जो कि दोस्तों 44,000 square feet का है। इसका जो रेंट है दोस्तों मंथली वो है दोस्तों 53.19 लाख का। ये दोस्तों रेंटल जो है पेड करेंगे हर महीने, और अगर इसको एनुअल दोस्तों अगर इसकी रेंट की बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ का जो है रेंट हर साल दोस्तों जो है यस बैंक अपने एक ऑफिस के लिए पे करने वाली है। दोस्तों ये मुंबई में गोरेगांव दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऑफिस दोस्तों जो है कंपनी यस बैंक ने लीज पर लिया है। दोस्तों पता नहीं इतने बड़े स्पेस का क्या करने वाले बैंक के लिए, 44,000 square feet बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाता है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों जर्मनी से। जर्मनी में दोस्तों जो है उनके एक स्टेट में लॉर्ड सैक्सोनी दोस्तों उनके एक स्टेट है, उसमें दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल पावर दोस्तों पैसेंजर ट्रेन को जो इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों यानी कि अब जो ट्रेन दोस्तों डीजल से चलती थी वहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन से चलेंगी, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी, जो कि दोस्तों एक कार्बन एमिशन से दोस्तों पूरा रहित जो है एक फ्यूल है, यानी जो नेट जीरो एमिशन होता है उससे कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से दोस्तों कोई भी जो है पॉल्यूशन नहीं होता, इसी तरह से हाइड्रोजन के जो व्हीकल्स होते हैं दोस्तों उनसे भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। 14 ऐसी ट्रेन दोस्तों जो पैसेंजर ट्रेन है वो दोस्तों जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, और इसके जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 92 मिलियन डॉलर है। इससे दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन 16 लाख लीटर जो डीजल है हर साल जो है बचाया जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर इतना डीजल जो है हर साल बचेगा सिर्फ 14 ट्रेन से बचने वाला है, और अगर दोस्तों पूरे विश्व में दोस्तों जो है सभी ट्रेन को और सभी व्हीकल्स को दोस्तों जो है अगर इलेक्ट्रिक पे या हाइड्रोजन फ्यूल पे लिया जाएगा तो दोस्तों पूरी बहुत ही जल्दी जो है हम जो है नेट जीरो एमिशन कमीशन को जो है अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। उन्होंने तो जो है कि GSK के नाम से सुना होगा, इसकी दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट जो दवाई वगैरह आती हैं। इन्होंने दोस्तों एकम्स एसोसिएट्स दोस्तों एक कंपनी जो ड्रग्स बनाती है दोस्तों रेनिटिडीन, उन्होंने बनाया दोस्तों एक ड्रग, यानी उसकी जो सेल्स है दोस्तों उन्होंने एक ब्रांड से दोस्तों जो है निकालती है दवाई को ZYNTSEN जिनटेक नाम से दोस्तों ब्रांड चलाती है दोस्तों ये कंपनी एकम्स डैस, जो कि दोस्तों बिल्कुल सिमिलर जो है साउंड करता है दोस्तों ZYNTSEN की दोस्तों यानी कि GSK का दोस्तों एक प्रोडक्ट है जिनटेक दोस्तों, बस ई का फर्क है। और दोस्तों कंपनी ने GSK ने कहा है कि ये जो है हमारी ट्रेडमार्क की पॉलिसीज को दोस्तों वॉयलेट करते हैं, यानी कि दोस्तों जो एकम्स डैस है वो दोस्तों बिल्कुल जो है उनके प्रोडक्ट को कॉपी करती है। तो GSK ने दोस्तों नोटिस भेजा है उनको कि अभी की अभी जो है आप अपनी सेल्स को स्टॉप करिए, सीज करिए। और जो है दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कंपनी एकम्स डैस वो बिल्कुल सेम पैकेजिंग दोस्तों यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी जो GSK ने बनाई है दोस्तों उसको यूज़ करती है। यानी दोस्तों आपको पता नहीं है कि लेकिन कंपनी जो ट्रेडमार्क होते हैं, आप अगर किसी प्रोडक्ट को दोस्तों स्पेशली अगर फार्मास्यूटिकल्स में दोस्तों किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसमें दोस्तों ट्रेडमार्क कॉपीराइट का दोस्तों बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही संभाल जो इसमें काम करना चाहिए। अब देखते दोस्तों क्या होता है कि क्या दोस्तों इनको लीगल पेनल्टी लगती है, दोस्तों कोई इनको कितना पैसा देना पड़ता है, कितना फाइन देना पड़ता है, दोस्तों आगे हमको पता चलेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आती है दोस्तों अमेरिका की तरफ से। दोस्तों फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है दोस्तों उन्होंने जो है पवेल ने एक स्पीच दी थी फ्राइडे को, जो कि 8 मिनट की दोस्तों स्पीच थी, और उन्हीं 8 मिनट के दोस्तों जो है US में दोस्तों जो उनके जो बेंचमार्क्स हैं S&P 500 दोस्तों डाउ जोन्स और नास्डेक दोस्तों 3 से 4% ज़्यादा गिर गए दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो है सिर्फ 8 मिनट के अंदर उनका स्टॉक मार्केट में दोस्तों $78 बिलियन दोस्तों रुपये जो है साफ हो गए, डॉलर दोस्तों साफ हो गए, $78 बिलियन दोस्तों सिर्फ 8 मिनट के अंदर साफ हो गए, खत्म हो गए, जिसमें दोस्तों जो एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है उनकी
उनकी जो वेल्थ है वो $5.5 बिलियन से ज़्यादा गिरी है, और जो सेकंड रिचेस्ट आदमी है दोस्तों जेफ बेजोस, उनकी जो वेल्थ है वो $6.5 बिलियन से ज़्यादा कम हुई है दोस्तों। सिर्फ 8 मिनट की स्पीच दोस्तों जो चेयरमैन फेडरल रिजर्व ने दी है, उसकी वजह से $78 बिलियन की जो नेटवर्थ है दोस्तों, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल नेटवर्थ जो दोस्तों बड़े बड़े पर्सन है जिनकी दोस्तों 100-200 बिलियन की जो नेटवर्थ है वो खत्म दोस्तों 5-6 बिलियन से हो चुकी है दोस्तों। अगली खबर निकल के आती है IRCTC की तरफ से दोस्तों। अभी रिसेंटली खबर आई है कि ट्विटर पर दोस्तों किसी आदमी ने जो IRCTC को टैग करके लिखा है कि दोस्तों IRCTC के सॉफ्टवेयर वो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों जो क्या किया है वो उन्होंने ट्रैवल करने की दोस्तों जो टिकट बुक करी हुई IRCTC से, और उन्होंने जो प्रेफरेंस में डाला था सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों, लेकिन उन्होंने IRCTC के सॉफ्टवेयर दोस्तों जो सीनियर सिटीजन के लिए अपर बर्थ को जो एलोकेट किया, यानी कि दोस्तों आपको पता है ट्रेन में एक लोअर बर्थ होती है एक अपर बर्थ होती है, दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली जो है लोअर बर्थ को प्रेफर किया जाता है जिससे कि दोस्तों वो ऊपर चढ़ने की उनको दिक्कत ना हो, लेकिन दोस्तों उनके सॉफ्टवेयर ने प्रेफरेंस डालने के बाद भी जो है उनको अपर बर्थ प्रोवाइड करी जिससे दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उस बंदे ने जो है उनको ट्विटर पर टैग करके कहा कि ये जो है गलत किया उन्होंने, फिर दोस्तों IRCTC ने जो उसको एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या दोस्तों क्रिटिसम उन्होंने किया है, तो वो कुछ ना कुछ उनको एक्सप्लेनेशन दिया या फिर उनको नई टिकट जो है उनको इशू करनी चाहिए, ये भी दोस्तों जो यूज़र ने लिखा था। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए टिकट बुक कराई हो या दोस्तों और वो ऐसे अपर बर्थ में चली गई हो, यानी दोस्तों आपने कुछ प्रेफरेंस दिया हो और आप दोस्तों प्रेफरेंस को जो है नेगलेक्ट करके जो है कुछ और ही आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करी हो, ऐसा दोस्तों जो IRCTC में कई बार होता रहता है कि दोस्तों डिब्बे में जो है 100 सीट्स होती है, लेकिन दोस्तों जो टिकट है वो 110-120 बुक हो जाती है, और फिर दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बाद में जाके, क्योंकि दोस्तों एक ही सीट के लिए दो दो तीन तीन टिकट जो है बुक हो जाती है, तो ऐसे दोस्तों सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से हो जाता है कभी कभी। और दोस्तों इनको जो इम्प्रूव करना चाहिए सरकार को, ये सब जो IRCTC वाले उनको ये सब जो है इम्प्रूव करना चाहिए जरूर। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है टाटा स्टील की तरफ से दोस्तों। उन्होंने जो है उनको लैंड एलोकेशन लेटर जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से मिल चुका है दोस्तों। वो जो है एक नई स्टील मिल जो है लुधियाना में खोलने वाले हैं, वो भी दोस्तों स्क्रैप से खोलेंगे, तो जमीन से उसको बनाएंगे। 2600 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और उन्होंने कहा है कि दोस्तों इससे जो पंजाब स्टेट है इसमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। और दोस्तों टाटा स्टील जो है अपने कई कई जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फेमस है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों कब तक जो है ये पूरी तरह से प्लान बन के तैयार हो पाता है दोस्तों। काफ़ी अच्छी बात है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और दोस्तों 2600 करोड़ से दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट की डेवलपमेंट भी होगा दोस्तों। अगली खबर निकल के आती है ड्रीम फोक सर्विसेज की तरफ से। उनका दोस्तों जो है IPO दोस्तों बहुत ज़्यादा फुली सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 50 गुना से दोस्तों उनका जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों अभी 80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और दोस्तों उनके जो शेयर्स हैं वो NSE और BSE पर लगभग मंगलवार को यानी 6 सितंबर को जो है लिस्ट होने वाले हैं। क्या दोस्तों आपने अब तक जो है ड्रीम फोक सर्विसेज में 24 से 26 अगस्त में जो खुला था उसमें अपने जो है पैसे लगाए हैं, और दोस्तों आज का जो GMP 80 रुपये चल रहा है, यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है लोगों को इन्वेस्टर्स को हो सकता है, क्योंकि पिछले जो IPO दोस्तों आए हैं बड़े बड़े उन सभी में दोस्तों इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। 2021 में कई सारे IPOs आए दोस्तों, वो बंपर रिटर्न जो है लोगों को देखे गए थे मल्टीपल रिटर्न्स, लेकिन दोस्तों 2022 में जो IPOs आए हैं दोस्तों वो कई सारे IPOs जो है फेल हुए हैं, तो देखते हैं दोस्तों ड्रीम फोक सर्विसेज का जो IPO दोस्तों सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता है दोस्तों। अगली खबर निकल के आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से दोस्तों। उनकी जो 45th एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM दोस्तों वो कल यानी कि मंडे को होने वाली है दोस्तों। जो मुकेश अंबानी दोस्तों वो इस मीटिंग को हेल्ड करेंगे, और दोस्तों उनकी जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों उनकी शेयर होल्डर्स की वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अभी 5G के ऊपर दोस्तों जो हाईएस्ट बिल्ड लगाई है 5G के इंडियन के 5G स्पेक्ट्रम पे, तो दोस्तों रिलायंस जियो ने लगाई है। और दोस्तों दो बड़े IPOs की अनाउंसमेंट भी जो है इस जो AGM में उसमें हो सकती है। रिलायंस जियो का दोस्तों सेपरेट IPO दोस्तों आ सकता है, जो कि लगभग 70,000 करोड़ के दोस्तों दो IPO होने वाले हैं, और रिलायंस रिटेल का दोस्तों जो कंपनी अपना IPO ला सकती है, जो कि इंडिया के सबसे बड़े IPO हो सकते हैं। इसकी जो जानकारी दोस्तों हमको मई में ही मिल गई थी, लेकिन दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट दोस्तों कल जो है इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में हो सकती है। और दोस्तों रिलायंस जब भी दोस्तों अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करता है तो बड़े बड़े दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट जो अनाउंस होते हैं, और लोगों की जो शेयर होल्डर्स की जो दोस्तों उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो जो एंटीपेशन होती है वो भी दोस्तों जो है हाई होती है, तो देखते हैं दोस्तों क्या जो अनाउंसमेंट होती है कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीटिंग के अंदर। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है कि दोस्तों डिज्नी स्टार ने दोस्तों जो ICC के मीडिया राइट्स हैं उनको खरीद लिया है। TV और दोस्तों डिजिटल राइट दोनों को जो है उन्होंने संघ में खरीद लिया है। 27 तारीख दोस्तों जो अनाउंसमेंट जो है ICC की ऑफिशियल दोस्तों जो है बोर्ड ने दोस्तों कर दी है। और दोस्तों अगले आने वाले 4 साल के लिए दोस्तों ICC के जो मीडिया राइट्स हैं वो डिजनी स्टार ने खरीदे हैं। जो भी दोस्तों ग्लोबल इवेंट होंगे, मैन या वुमेन जो क्रिकेट होंगे दोस्तों, उन सभी में दोस्तों जो ग्लोबल इवेंट है सभी में जो राइट्स हैं दोस्तों उन सभी के पास जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं डिजनी स्टार की तरफ से। और अभी आपको पता होगा कि वाईकॉम टीम यानी जो मुकेश अंबानी की जो बैंक कंपनी है उन्होंने IPL की राइट्स खरीदी हैं, लेकिन दोस्तों ICC की जो राइट्स हैं वो अभी भी दोस्तों डिज्नी स्टार ने दोबारा से खरीद लिए हैं। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा जो है कॉम्पिटिशन इनमें क्रिकेट की फील्ड में होने वाला है। अभी दोस्तों अडानी ने भी दोस्तों जो LLC में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो देखते हैं तो ये जो पूरा जो गेम है दोस्तों कहाँ पर जाकर रोकता है और कितना बड़ा तो ये गेम हो पाता है। इंडिया में दोस्तों स्पोर्ट्स का दोस्तों बहुत बड़ा क्रेज जो है बनता जा रहा है। आपने दोस्तों किस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपने पैसा लगाए हैं, कौन से आपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के शेयर जो खरीद रखे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज की बिजनेस और फंडिंग न्यूज यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।